मकरबा थाना से आज एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल मकरबा थाने में सीआई के सामने एक परिवादी की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक परिवादी सीआई के सामने कुर्सी पर बैठा था, अचानक परिवादी गश्त खाकर नीचे गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। वहीं थाने में हुए इस घटनाक्रम से इलाके में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में पुलिस परिवादी को लेकर एमबीएस अस्पताल पहुंची, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मकारबा थाना सीआई रंजीत सिंह ने बताया, दो पक्षों में एक सम्मेलन के दौरान रुपयों को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें दोनों पक्ष सम्मेलन में रुपए के गबन का एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, जिसके परिवाद दोनों पक्षों की तरफ से दिए गए थे। इन्हीं परिवादों को लेकर आज दोनों पक्ष थाने पहुंचे थे, जहां राजू हुसैन सीआई के सामने कुर्सी पर बैठा था, जो अचानक गश्त खाकर नीचे गिर पड़ा, जिसकी मौत हो गई। और कुछ भी ऐसी कोई बात नहीं थी, वो तो इनके बयान वयान लेने थे, जो बयान दे ही देते, कोई परिवार था जो उसके लिए जांच में बुलाया था इन्होंने, बस और कुछ भी नहीं था। दोनों पक्ष थे सामने, दोनों पक्ष थे, दो आदमी उनके थे, दो आदमी हमारे थे, एक आदमी बाद में आया था, ये भैया बाद में आया था, पांच आदमी था। तो क्या हुआ अचानक, क्या नहीं, इनके हार्ट पेशेंट थे ना, ये तो हार्ट पेशेंट थे, बाईपास सर्जरी तो इनकी थी सही, तो इन्होंने थानदार साहब ने बुलाया था इनको जांच के लिए। अब माँ ऐसी कोई बात नहीं है हमारे सामने, तबीयत इनकी बिगड़ी। थानदार साहब के सामने डेथ हुई? थानदार साहब मैं भी वहीं था ना, सीआई साहब के सामने मैं भी वहीं था, कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये रियाजुल हुसैन उर्फ राजू हुसैन है और पिताजी का नाम मल्लू हुसैन है और इनकी उम्र करीबन 70 साल की है। ये रहने वाले हैं अपने यहाँ बंजारा कॉलोनी किशोरपुरा के रहने वाले हैं। इन्होंने श्रीमान एसपी साहब को एक परिवार दिया था, इसमें बताया था साहब कि हमारे को आपस में सामाजिक विवाह का मामला था, इसके अंदर में दूसरे पक्ष ने मतलब हमारे को सही हिसाब नहीं दिया है, तो इन्होंने परिवार दिया था। उस परिवार की जांच के अंदर दोनों पक्ष थाने पर स्वयं उपस्थित आए थे, जिनमें चार पांच आदमी थे, इनके साथ में एक तो अब्दुल अजीज, अब्दुल शकूर, अब्दुल अजीज और एक रफीक, ये साथ में आए थे। जैसे ये आए, आते ही कसर हमारे ये मतलब चलो ठीक है बैठो, जैसे ही कुर्सी पे बैठे तुरंत वो एकदम ही अचेत हो गए थे, ये तुरंत अपनी सरकारी गाड़ी से इनको लेके हॉस्पिटल आए थे। यहाँ उनको दिखाया, इलाज कराया, दौरान इलाज उनकी हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गई। हाँ, सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ था पहले इनका, उसी लेन देन को मामले में लेकर इन्होंने सलमान एसपी साहब को एक परिवार दिया था। वहीं थाने में हुई इस घटना के बाद से सभी हैरान परेशान हैं। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कोटा से योगेंद्र महावर की रिपोर्ट।